देश भर में दशहरे के दिन लंकापति रावण का दहन किया जाता है और रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी रावण की पूजा होती है। सतना जिले के कोठी कस्बे में थाना परिसर के अंदर रावण की प्रतिमा स्थापित है और हर साल दशहरे के अवसर पर ग्रामीण रावण की पूजा करते हैं। कोठी के रहने वाले मिश्रा परिवार पिछले 45 सालों से लंकापति रावण की पूजा करते चले आ रहे हैं। लंकेश जो दशानन है, जो तीन लोक के राजा त्रिलोकी थे और इनसे बड़ा विद्वान, इनसे बड़ा शास्त्र में, संगीत में, बलवान में, धनवान में, जो तीनों लोकों का राजा हो और जिसके मुख में आज जो 10 मुख हैं इनके, 4 वेद और 6 शास्त्र का बखान करना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन जो वेद बने हैं और जो ये आपके 4 वेद 6 पुराण बने हैं, इनको कौन बखान करेगा, क्योंकि एक ही मुख से एक ही वेद का बखान हो सकता है। वहाँ पर ब्रह्मा जी ने सीधे आदेश दिया कि एक विश्व में, इस धरती में, इस नभ में, आकाश में केवल एक ही है जो पुरोहित और पंडित सबसे बड़ा ज्ञानी दशानन है, इसीलिए उसके 10 मुख, एक एक मुख से प्रत्येक वेद का उसने उच्चारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी स्तुति करते थे और सबसे बड़ा भक्त शंकर भगवान का, जो कि लोग फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उन्होंने अपना शीश चढ़ा के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पहले से भी मालूम था कि राजा यहाँ के कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उनके पिता वेंकट रमन जो थे, वो पूजा करते चले आ रहे। फिर कौशलेंद्र प्रताप, वहाँ पर हमारे बब्बा लोग जो श्री श्याम राम मिश्रा, वो पुजारी थे, राजगुरु थे और उस राजगुरु के सर पर पूजा करते चले आ रहे हैं आज 150-200 वर्षों से। ये प्रतिमा कम से कम 300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। सामने राम चबूतरा था, यहाँ पर रामलीला का मंचन होता था, 50-100 गांव के लोग देखने आते थे। बगल से कुठियार नदी है जहाँ पर अभी भी पुल बंधा, सेतु बंधता था, अब तो बड़ा पुल बन गया है। और इससे पूजा करने का मेरा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति में 100 गुण होते हैं मगर एक अवगुण होता है, तो 100 गुण थे उनमें, वेद में, शास्त्र में, ज्ञान में, बलवान में, धनवान में, चाणक्य में, कोई ऐसा गुण नहीं था जो उनमें नहीं था, मगर एक अवगुण जो एको अहम दूजो नास्ते, जो एक घमंड था, एको अहम, जो कि झुकना नहीं जानता था और अपने पछिलना नहीं जानता था, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी, मगर एक छोटी सी गलती उनके पैतृक द्वारा हो गई थी, उस गलती को, एक राजसी प्रवृत्ति में आ गए थे, उस गलती को पूर्ण करने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने एक चौपाई भी कहा है कि वानर मेरे लिए वही नर पैदा होगा, बाकी तो मुझको हम काहू के मारे न मारे, तो ये भगवान का। और मुझको इतनी शांति मिलती है दशानन की पूजा करने में, क्योंकि मैं आज 45वां वर्ष है मेरा ये पूजा करने का और मैं कालांतर करता चला रहा हूँ। आगे भी आने वाली पीढ़ी में मेरा कालांतर जिस तरह पौराणिक से चलता आ रहा है, इसी तरह चलता रहे। कि ये आज से 15 से 20 साल पहले यहाँ पर थाना बनने की जमीन आवंटित हुई थी, थाना की जमीन आवंटित हो गई थी, बन रहा था और मैं उसके 4-5 साल पहले, जस्ट मेरा बगल में यहाँ से 100 फुट दूर मेरा स्वयं का मकान है, मैं सो रहा था रात्रि में 12-1 के लगभग, ऐसा मुझे लगा कि कोई पुकार रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा मुझे दिखा कि दशानन स्वयं चिल्ला रहे, क्योंकि मैं पहले से ही पूजा करता था उनकी। 1-2 बजे के रात के लगभग मुझे बोले कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं उठा बाहर देखा तो देखा कि यहाँ थाने में, नया थाना जो बन रहा था, रात्रि में 12 बजे के लगभग JCB से रावण प्रतिमा गिराई जा रही थी। मगर जैसे मैं दौड़ते आया, भागते आया, मैंने देखा कि बाएं तरफ उनकी जो भुजा थी उसमें रख दिया गया था JCB का पंजा। मैं सीधे रोका कि भाई साहब ये क्यों गिरा रहे हैं, पुरातत्व है, बहुत पुरानी मूर्ति है, राजा के ज़माने की है। उन्होंने बोला हमें थाना बनाना है। इतने ही में पता नहीं भगवान की कृपा, श्री राम की कृपा या शिव भोले की, शंकर, क्योंकि सबसे बड़ा पुजारी थे शंकर भगवान के, उनकी कृपा हुई कि इतना बड़ा नांग जाके और JCB में सीधे शीशा से और ड्राइवर के लिपट गया।
वो एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा, बोला मैं काम नहीं करूँगा, मूर्छित हो गया। तत्काल पुलिस जो भी वहाँ पर पुलिस के फोर्स जो गिरवा रहे थे वो भागे, और मैंने तत्काल SP को फ़ोन किया। उस समय शायद सापू बाबू से फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, जन आक्रोश फैल जाएगा। उन्होंने तत्काल काम को रुकवाया, और उसके बाद मैंने इसमें कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लगा के और इसकी पूरी प्रतिमा के चारों तरफ निर्माण कर पक्का निर्माण कर कराया, और फिर इसके बाद ये थाना को पीछे करके और पीछे बनवाया गया।